पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे शिव सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिकों ने विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण लगातार छोटे किसानों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के नाम पर बुलडोजर चलाकर उनका दमन करने और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय जेयू के संरक्षण में अवैध प्लॉटिंग निर्माणों के कार्यों द्वारा लगातार धन वसूली करने के आरोप लगाए गए हैं। प्राधिकरण के जेई और अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के गरीब और कमजोर लोगों के मकान पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बंद करो। वहाँ पर मकान बनाने दिए जा रहे हैं अपनी ही जमीन में, जब तक उसका अधिग्रहण की उसका विरोध चल रहा। उसके साथ गरीबों के साथ भी ये स्थिति बनी हुई है कि गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, प्लॉटिंग है, उनको कुछ बताया नहीं जा रहा। अगर आपने किसी ने जगह बेची, कोई कॉलोनी बनाई, अगर वो गलत तरीके से, तो उनको नोटिस भेज के उनको बताया जाए कि ये गलत है, इसके लिए ये कार्रवाई, अगर आप इसके मानकों को पूरा नहीं करेंगे तब आपके साथ उस ये सारी चीज़ें, गरीबों के कॉलोनियाँ तोड़ना, ये करना, और उसके बावजूद भी ये सबके साथ साथ महानगर के अंदर बहुत सी जगह अवैध चीज़ें अभी भी बन रही हैं। आज आप चले जाओ टोनाल क्षेत्र में, चले जाओ जामा मस्जिद क्षेत्र में, चले जाओ पंडित नगला क्षेत्र में, चले जाओ वहाँ पर अवैध कॉलोनी भी बन रही है, अवैध निर्माण भी हो रहे हैं, लेकिन वो सब बड़े लोगों के हैं। बड़े लोगों के निर्माणों में कोई रोक नहीं है, गरीबों के निर्माण, गरीबों के बुलडोजर, किसानों पर बुलडोजर, उसका विरोध शिवसेना कर रही है। आज किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है, इसके लिए हमें अगर सड़क चल के उतर के आंदोलन करना पड़ा, आमरण अनशन, भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो करेगी। जय भवानी जय। MD ऑफिस की स्थिति आप देखो, ये लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसानों की सरकार, ये गरीबों की सरकार है, और गरीबों और किसानों की सरकार में मुख्य राधाबाजार विकास प्राधिकरण में गेट बंद है। जब हम लोग जाते हैं ज्ञापन देने, कमिश्नर साहब के हैं, DM साहब के हैं, या SSP महोदय, DIG, किसी भी अधिकारी का गेट, हम कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से कहीं कोई परेशानी आती है तो आप प्रशासन लगाओ, पुलिस लगाओ, हमारी गिरफ्तारी करो, हमारी बात को तो आपको सुनना पड़ेगा। लोकतंत्र में आप हमारी आवाज़ दबा रहे हो, हमें वहाँ पर आपने गेट बंद कर दिया, अगर हम इसमें विरोध कर रहे हैं तो आपने पुलिस प्रशासन, इसका मतलब तो आपका मन में मंशा बनी हुई है कि हम आपसे लड़ें और आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसके लिए तैयार हैं। जय भवानी जय। इस दौरान विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा भी कहा गया कि प्राधिकरण किसी भी किसान को परेशान नहीं कर रहा है और ना ही किसी की जमीन बिना उसकी अनुमति के अधिग्रहण की जा रही है। शेष कई लोगों के द्वारा बीच में अवैध निर्माण शुरू किए गए थे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बहुत सारे लोगों ने भले वाले लोगों को उनका फ़ायदा उठाते हुए उनको अवैध रूप से प्लॉटिंग इत्यादि बेची हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। केवल यही है कि जो किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने गाँव के अंदर किसी प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने पहले भी प्रॉमिस किया था और अभी भी कहते हैं कि किसी का जो घर है उस पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने पाएगा, और अगर वो खेती करना चाहते हैं उसमें भी कोई व्यक्ति उनको जाकर के नहीं छेड़ेगा। केवल जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।